नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे अब तक विधायक सेगमेंट में वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर वर्तमान में निर्दलीय उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह विधायक है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह की लड़ाई कांग्रेस के उम्मीदवार इरशाद हुसैन से थी। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने इस चुनाव में 66,860 वोट प्राप्त किए हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार इरशाद हुसैन को 33,280 वोट मिले हैं। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 36.17% मत मिले और कांग्रेस प्रत्याशी इरशाद हुसैन को 18.01% मत मिला। अगर हम दोनों उम्मीदवारों के हार जीत के अंतर को देखें तो दोनों उम्मीदवारों के बीच 33,580 मतों का अंतर था, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को 33,280 वोट मिले थे, जो कि हार जीत के अंतर से भी कम था। वर्ष 2010 के चुनाव परिणाम की बात करें तो इस वर्ष राजेश सिंह विधायक हुए थे। राजेश सिंह जेडी के टिकट से इस चुनाव में खड़े हुए थे। वहीं उनके विपक्षी उम्मीदवार मुकेश कुमार कुशवाहा राजद की पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 2,15,000 है। इसके बाद थारू जनजाति और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 2-2 लाख है। कुशवाहा वोट करीब 1,26,000 है। यहाँ यादव वोटरों की संख्या करीब 1,10,000 है। इसीलिए यहाँ ब्राह्मण वोट उम्मीदवारों के हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। वाल्मीकि नगर विधानसभा के चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो विकास कार्य पहला मुद्दा है। कुछ विकास कार्य हुए हैं, इससे स्थानीय लोगों को राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ विकास के कार्यों की गड़बड़ी के भी कई मामले सामने आए हैं। इस विधानसभा में बिजली भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ हाइड्रल पावर होने के बाद भी इस विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती है। बेरोजगारों का पलायन भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है और इसके कारण युवाओं की बड़ी संख्या महानगरों की ओर पलायन कर चुकी है। शिक्षा और बेरोजगारी युवाओं का मुख्य मुद्दा है। पढ़ाई के लिए शहर जाना और रोजगार के लिए महानगर इसकी नियत बन चुकी है। महिलाओं के लिए राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी बड़ा मुद्दा है। महिला शिक्षा का स्तर भी हाल के वर्षों में काफी सुधरा है, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका आबादी के अनुरूप नहीं है। जंगली जानवरों से फसलों की बर्बादी होती है, वहीं ट्यूबवेल से कोई खास लाभ नहीं हो पाता है। अब तक विधायक सेगमेंट में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।